या अम्बी हाँ वहां से ही भाई नहीं ना नहीं तो पूरा प्रोफेसर आ गया हाँ ये हमको गली बोलो बार ही समझ में एमपी भाई तुम्हारे साहब को कुछ देखो और देखो है ओ कार्टर क्या हो रहा है देखो पता नहीं कार्टर कुछ तो हो रहा एक सेकंड आओ लव बर्दा हां बोल नहीं 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 अच्छा पूरा अच्छा बना देगा ना रुको लव लेट मी तो टॉक आज ही हो ना रात में तो बात करनी है बात है करो ना फिर सामने चलो सीशोर उधर अरे उससे बात करनी है कुछ मीटिंग एंड होने का वेट किया मैंने सीशोर चलते हैं ना तू बना नहीं तो देख ले वो राइट लो अलग चाहिए तो इधर आओ इधर लव तुम रुको तो अरे तो पीछे जा रही हो ना ओके एज अ ग्रुप एज अ फ्रेंड यू नो मुझे कोई इशू नहीं है बट डू यू हैव सम इशू मुझसे पर्सनली देन लेट मी नो क्योंकि आई डोंट थिंक मैंने ऐसा कुछ किया है कि कुछ इशू होना चाहिए और यू नो मेरे को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी बट आई थॉट ओके लेट मी बी द पर्सन जो जाके तुमसे बात कर ले ओके तो यू नो एक हम काफ़ी अच्छे सब फ्रेंड्स हैं सो अगर तुम्हें पर्सनली मुझे मुझसे कुछ है तो जस्ट लेट मी नो तुम जैसे यू नो एक दो दिन बिहेव किए सो आई डेंट फील इट राइट बट देन मैंने सोचा इट्स ओके मैंने टाइम दिया बट अगर कुछ रेडियो पे है ना तो बता दो इन एमपी को रेडियो पे रुको हाँ हाँ बोलो बात कर रहे कुछ हम रुके इधर मैं आई नो मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा ज़्यादा ही गलत कर दिया था जब तुम खुश थे मैं मेरी गलती मानती हूँ वो वाली और अपोलोजाइज भी कर रही हूँ उस बिहेवियर के लिए मैं कल ओके ठीक है तुमने ऑल राइट जो भी था राइट इट्स ओके मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं मैंने खुद को टाइम दिया बट देन जब मैं कल भी तुमसे यू नो बात करने की ट्राई कर रहा था यू नो आई डोंट नो तुमने काफ़ी वियर्ड बिहेव किया एंड मैं दैट टू देखो सबके सामने यू नो यू हैव गॉट दैट एटीट्यूड एंड ऑल दैट इज़ फाइन लेकिन मुझे यू नो आई कब वॉन्ट माई सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे सबके सामने तुम ऐसे कुछ भी बोल विद इन फ्रेंड्स तो मैं कुछ बोलना है इट्स ऑल कब राइट ठीक है मुझे बॉक्सिंग मैच में बॉक्सिंग तुम तो मेरे यू दोस्त हो नो इसलिए ही तुम्हारे साथ ही मजाक कर रहा था या और मेरे साथ किसी से करो तो मैं नो कर ही नहीं वरीज सकूंगी मैंने कभी मना नहीं किया मुझसे मजाक मत करो यू नो मेरे को आई हैव अ रिस्पेक्ट आई हैव अ रेपुटेशन टू मेंटेन सबके सामने ठीक है तो वहाँ पे लिटरली ऑल ओवर द सिटी बहुत लोग आए थे एंड आई डेंट फील इट राइट कि ठीक है यू हैव गॉट दैट एटीट्यूड एंड ऑल लेकिन मैं तुम्हें नो देर बता रहा इज हूँ नो कि एटीट्यूड मुझे मुझे वैसा नहीं क्यों लग रहा है पसंद है कि मैंने तुम्हें नहीं एटीट्यूड देखो दिखाया था एटीट्यूड होना तुमने चाहिए मुझ राइट पे लोगों में जब होना चाहिए पैसे नहीं एटीट्यूड लगाए थे मतलब तुमने मेरे लिए चीयर किया था रेडियो पर मुझे बहुत अच्छा राइट लगा कि मेरे लिए चीयर कर रहा है एटलीस्ट कोई और वो भी मेरा अपना ही एज अ चीयर कर रहा फ्रेंड है या मैं कर रहा था एंड तो ऑफ कोर्स किसी ने मेरे लिए चीयर नहीं किया था एंड सब ने मेरे पे किसी ने बैट नहीं किया मुझको बुरा लगा और फिर जब किस तुमने कहा मैं 5,000 इनाये पे लगा रहा हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सुनने में बाद में मेरे को सच्चाई बताया किसी ने कि एमपी ने तो 100 रुपये भी नहीं लगाए तुम पर एंड मैं उस समय रियलिटी लेके आया हूँ यहाँ पे ये गाली है दे रहा है मेरे कि को भाई रियलिटी ये है कि एमपी ने तो गुड्डी पर लगाए सारे पैसे एंड आई फेल्ट रियली बैड कि फिर तुम मेरे मत पे मत 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 जो चीयर कर रहे हो वो सारा भाई फेक चीयर गाड़ी मत है चला अभी ऐसी सिंस यू आर बात नॉट नहीं इवन बेटिंग ऑन दिमाग में मी खाना बस है तुम चीयर कर रहे हो ताकि मेरे को रेडियो लीव कर खुशी रहे अरे बाइकर चलाने की ट्राई करो ना बाइकर्स अबे नहीं भी गोली मार हाँ तो फिर मेरे को बहुत बुरा लगा यार कि मेरे अपने ही मुझ पर पैसे बेट नहीं कर रहे यार ट्रस्ट ही नहीं कर रहे कि मैं किसी को बॉक्सिंग में हाँ हरा पाऊँ आई फील तो रियली लेट मी बैड एक्सप्लेन ठीक है
ठीक है, अपने भी जो भी चल रहा था, बट यू नो इट वॉज अ मैच एंड आई वॉज देयर टू सपोर्ट माई फ्रेंड. मैं तुम्हारे लिए चीयर इसलिए कर रहा था ताकि तुम्हें यू नो यू गेट दैट कॉन्फिडेंस एंड तुम्हें पता हो कि तुम्हारे साथ कोई खड़ा है. बट दैट बेटिंग इज टोटली डिफरेंट, उसको तुम दोस्ती के बीच मत लो. और फिर मैंने जो बाकी मुझे बोला कोई इश्यू नहीं है जीतने के बाद, यार वो सब लिटरली दोस्तों के साथ ही मजाक होता है यार. मैंने तुम्हारे साथ वो मजाक वही किया, मैंने बट तुम्हें बोला मैं तुम्हारा मजाक. पीओवी समझ गई कि वहां पर इतने सारे लोग थे एंड तुम्हारा रेपुटेशन है एंड कुछ मेंटेन करने वाली बात भी बोली तुमने. मैं वो अंडरस्टैंड करती हूँ एंड आई थिंक आई वॉन्ट रिपीट इट. मैं सबके सामने कुछ ऐसी बात बोलूँगी नहीं जिससे तुम्हारे को कभी बुरा फील हो जाए या फिर तुम्हारा रिस्पेक्ट ख़राब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करूँगी. मेरे को तुम एक बार बोल दोगे तो मैं समझ जाऊँगी, है ना. But मेरे I को felt पता it ही नहीं that था way, ना तुम्हें बताया मैंने. मुझे मुझे And then you were और not कल talking जो हुआ also. मैंने तुम्हें कॉल किया और उस दिन भी मैंने तुम्हें रात को भी कॉल किया. ठीक है उस दिन का तुम मानते हो, मैंने तुम्हें बताया ना आई नीडेड स्पेस. आई गेट इट. और फिर ठीक है तुम तो छोड़ मैंने के भी तुम्हें चले गए थे, बताया. मुझे बुरा भी लगा, पर कोई बात नहीं, तुम्हें स्पेस चाहिए थी. मैंने जो किया था उससे फ्रस्ट्रेट भी हो गए होगे और इट तुम्हें वाजंट चोट जस्ट भी लग यू, गई मैं होगी. बस अकेले जाना चाह रहा था. कार्टर आस्क्ड मी टू बी इन माई कैब, तो आई वॉज लाइक ठीक है ये कंडक्टर तो ऐसे रहता ही है, इट्स ओके. वो तो बट इट्स देन फाइन. मैं तो सबसे अलग ही जॉब करना चाह रहा था. और पता है राइट मैं तुम कल रेडियो और पे आई, मैंने कॉल दिया, तुम नहीं वेट किया कि हाँ जब तुम सिटी में उठ के आओगे तो फिर सामने से कॉल तो कर ही लोगे एटलीस्ट. बट तुमने मुझे तो मिस कॉल नहीं दिखा, सच बता रहा हूँ. तुम्हें नहीं और दिखा अगर मेरा होगा. फोन स्विच ऑफ है तो मिस कॉल कैसे दिखेगा. राइट राइट. बट तुम रेडियो पे आए और तुमने शायद से मेरे से बात ही नहीं की रेडियो पे. मैं वेट कर रही थी तुम्हारा फिशिंग करते हुए और फिर एकदम से तुम्हारी बात आवाज़ लाइक विक्टर से हुई थी, उसने तुम्हें कॉल किया. फिर मेरे को लगा कि तुमने उस तुम सिटी में होकर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो. मैं तो सीधा सिटी में. ऐसे अच्छा कुछ था नहीं, मैं यू सीधा इवन यू नो चेक योर मैसेजेस. मैं तुम्हारे को हमेशा हेल्प के लिए बुलाती हूँ. आई मीन आई ऑलवेज चेक यू. जो लगता है तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इसलिए मैं तुम्हें करती हूँ टेक्स्ट सामने ऑफ से. कोर्स एज अ फ्रेंड मैं हूँ, आई विल बी देयर. बट कुछ चीजें लाइक हाँ कल वो फिशिंग की बात से याद आया, लाइक जब विक्टर के साथ तुम आई थी जब बट जब हम देन जा रहे थे तब तुम्हारा फिशिंग का मूड था, बट देन उसको नींद आने लगी विक्टर तो वो मैं जाने बहुत लगा. सैड देन आई थी कल. इवन यू कॉल्ड डोंट यू नो कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो. मैं बहुत बट सैड थी कल. देन तुम्हें नहीं मालूम है ये बात. तुम जब मैं चले गई चार्ल्स के ऑल पास. राइट तो मैं समझा ना, आई डेंट पॉइंट इट आउट. तुम सैड थी, तुम्हें स्पेस चाहिए थी, दैट इज फाइन. मैंने थोड़ी कुछ बोला कि तुम वहां से यू नो क्या हुआ. मैंने डिड आई एवर मेंशन दैट. लेकिन अभी मैं समझा राइट कि तुम्हें स्पेस चाहिए. सेम वे मेरे को परसों चाहिए थी, तब मैं सैड था. तो जैसे मैंने आज तुम्हें बोला कि मुझे बात करनी है एज अ फ्रेंड, तुम अगर मुझे फ्रेंड मानती तो तुम मुझे बोलती चलो मुझे कुछ बात करनी है. हाँ आज वही करने वाली थी. जैसे कि लव और डेक्सटर का सीन में कुछ इश्यू चल रहे हैं तो वो लोग भी साइड पे जाके आज बात ही करने वाले थे और फिर मैं भी तुम्हारे पास ही आने वाली थी. और तुमने बोला आज कि तुम ग्राइंड नहीं करोगे, तुम्हारा मूवी प्लान्स है. तो मैंने वो भी सोचा कि चलो आज वो मूवी जा रहे हैं तो उसको जाने देते हैं मूवी एंड जब वो फ्री होगा तब मैं उसको साइड पे ले जाके बात करूँगी ऑफकोर्स. क्योंकि हाँ बट मेरे फिर लिए मैंने तो मूवी प्लान फ्रेंड्स कैंसिल किया मैटर्स. ना बिकॉज मैं मीटिंग सबसे बात करना हेलो चाह रहा था एंड लिसन, देन देखो तुमसे मेरे लिए भी. फ्रेंड्स मैटर ही. यू मैटर अ लॉट. एवरीवन मैटर्स. जो भी मेरे बहुत क्लोज है, तुम तो हो क्लोज. और जैसे लव क्लोज है, डेक्सटर क्लोज है, कार्टर एंड ऑल, तो तुम भी मेरे लिए वन ऑफ देम हो. ऑफ कोर्स यू आर रियली क्लोज. और आई टोल्ड यू सेवरल टाइम्स दैट मुझको बहुत बुरा लगता है जब तुम मुझसे बात नहीं करते या फिर सैड हो जाते हो मुझसे. मेरे को बहुत ही बुरा हाँ लगता है. तो मैं तुम्हें थोड़ा बता रही हूँ मेरे को तुमसे जब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. बस अब मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब तुम मुझसे बात नहीं करोगे. ऑफ कोर्स यू मैटर राइट. मैं बात करता हूँ परसों जैसे मेरे इग्नोर को इग्नोर स्पेस करे चाहिए जब भी थी. तुमने मुझे बुरा लगा. चलो कोई ना,
फिर नेक्स्ट डे जब तुमने कॉल नहीं किया, स्पेस लिया ना, चलो दिया स्पेस, नेक्स्ट डे तुमने कॉल नहीं किया तो मुझे और तुम्हें बुरा क्यों लगा? कल तुम सैड थे, कल तुमने मुझसे बात नहीं की, डजंट मीन मैं ऐसे बुरा मान के बैठा हूं। पर जब मुझे समझा, जब तुम अकेले थे रात में वो फिशिंग बोट पे, हम दोनों अकेले रह गए थे, तो मैं तुम्हारे पास आई ना खुद से बात करने की, क्या कर रहे हो, कैसे हो, लाइक फिर तुम चले गए बीच में से। कब? जब हम दोनों बात कर रहे थे रात को, कल बोट पे, फिशिंग बोट पे। हाँ तो कल तो अपनी अच्छे से बात हुई। मैंने तुमको एक चीज बताई थी, याद है? कौन सी? कि मेरे पास तुम्हारी एक फिश है अभी तक। हाँ हाँ वो तो, अरे अरे तो देखो तुम मैटर करते हो और मेरे लिए जो फ्रेंड्स दोस्त मैटर करते नहीं करेंगे क्या? वही बोल रही हूँ, जो दोस्त मेरे लिए मैटर करते हैं उन लोग के कुछ भी मैं संभाल के रखती हूँ। अभी तुम्हारी मछली बांस मार रही है फिर भी मैं संभाल के रख रही हूँ ना उसको, क्यों? मैं भी संभाल के रखता हूँ, तुम कभी मेरे को $10,000 दे के देखो, मैं लाइफ टाइम संभाल के रखूंगा उनको, ठीक है? स्पेंड ही नहीं करूंगा। तो देखो अभी मैं सॉरी हूँ उस चीज के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में किया, प्लस जो तो मेरे को मैंने बॉक्सिंग टाइम पे बोला, मुझको बड़ी खुशी हुई कि मैं बॉक्सिंग चैंपियन जीती, क्योंकि आई डोंट थिंक इवन आई वाज हैप्पी फॉर यू, बट देन तुमने जो किया तो नहीं बोला। अबे आई वाज हैप्पी फॉर यू, मैं आ रहा था उधर तुमसे, मैं पागलों की तरह ट्विटर पे डंडोरा फेर देती। लिसन मैं उधर आया तुमसे बात करने, बट देन यू वर लाइक फ्लिपिंग योर फिंगर्स ऑन मी, उसके बाद पता नहीं लूजर्स वाला क्या क्या बोल रहे थे तुमने मेरे को, सबके सामने मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो या तो मैं क्यों वहाँ पे ऐसा सहूं, राइट? बट देन जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हें फ्रेंड माना है, मैं कुछ नहीं बोला और मैं वहाँ से चला गया चुपचाप, राइट? ठीक है, या विकेट इन, अब से वो नहीं करूँगी मैं तुम्हारे से मस्ती करूँगी, पर जैसे मैंने वो किया वो नहीं करूँगी, वो मैं अब देख लूंगी लिमिट में। मस्ती इज डिफरेंट, इंसल्ट इज डिफरेंट, मैं बोल रही हूं लिमिट्स क्रॉस नहीं करने चाहिए। या थ्रोइंग मी हियर एंड देयर, आई गेट इट, नहीं करूंगी, हम वो भूल जाते हैं, राइट? ओके चलो, मुझे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तुमसे मुझे पे तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, अब हग ले, वो तो तुम्हारा काम है, बट ओके। और मुझे आज भी तुम क्यूट लगते हो, बाय।